दौरे पर आई प्रदर्शनी राजेश सिंधिया ने एक दर्जन गांव का दौरा कर महाराज के लिए विकास के लिए साथ देने की अपील भी की। श्रीमती प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने सोमवार को शहर सहित एक दर्जन गांव का दौरा किया। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा एवं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर मां ज्योतिरादित्य सिंधिया की हाज मजबूत करने और विकास का साथ देकर महाराज को वोट देने की अपील की। भाई की 12 मई को हर एक मतदाता माता भाई बहनों से मतदान करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि सिंधिया जी आपके साथ रहें तो उनके लिए मतदान कर उनको विकास में सहयोग करें। रविवार को श्रीमती राजेश सिंधिया ने नुक्कड़ सभा कर हनुमान कॉलोनी, नुक्कड़ सभा बुलेवाला जी, सकतपुर, पिपरौदा खुर्द, कुड़ी मंगवार, सिलावटी, तरावटा, महुखाना आदि कार्यक्रमों में भाग लिया। इनके साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जो रोज मरत बनाते हैं वो आपके लिए भी नहीं है, इनके लिए भी नहीं है, इनके बच्चे सब के लिए चलेगा, लेकिन आप खुद महाराज को पीछे छोड़ गए। महाराज को नहीं लगा, उनको तो कभी गुस्सा नहीं लगता, हर बार कहते रहते हैं मेरे परिवार मेरे परिवार। मगर मैं कहती हूँ अगर परिवार है और आपने काम किया है तो किस कारण के लिए आपका परिवार आपके साथ नहीं खड़ा रहा। इस चुनाव में ये नहीं होगा। महाराज ने 17 साल रात दिन एक करके अपने बच्चों के साथ नहीं रह गए, इस क्षेत्र में घूमते गए और आप लोगों ने जो मांगा आपको देते गए। क्या बीजेपी ने क्या किया है आपके लिए और क्या दिया है इस क्षेत्र के लिए कौन बता सकता है मुझे? बीजेपी ने यहाँ एक अस्पताल बनाया है आपके लिए, एक रोड बनाया है, एक ट्रेन लाया है, कुछ नहीं। ये सब काम महाराज ने अकेले किया है। इस चुनाव में महाराज अकेले नहीं खड़े रहेंगे, आप सबको महाराज के साथ खड़े रहना होगा। अगर आपको लगता है कि महाराज आपके परिवार के हैं और आपके लिए काम करते हैं तो आपको आना पड़ेगा आगे। ये लड़ाई महाराज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी विकास की लड़ाई है। जो 15 साल बीजेपी ने नहीं किया आपके लिए। ये मकान है,